मैडम, सदन में जो आज हुआ उसको कैसे आप देखती हैं? मंत्री रही हैं आप, और सदन के अंदर जो चीज़ें घटी आज उसको क्या कहना चाहिए? देखिए, सदन में हमें सम्मान की और संसदीय गरिमा को रखना चाहिए, ये सभी माननीय सदस्यों का जिम्मेवारी है। और सदन की गरिमा कैसे बनी रहे उसके लिए हम विरोध जरूर करें, हम कुछ भी ज़रूर बोले, लेकिन अपने आचरण को ऐसा ना कर दें जिससे कि सदन की गरिमा को ठेस पहुँचे। हमें सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परसों जिस प्रकार एक आदिवासी समाज को कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक जी ने अपमानित करने का काम किया, ये सिर्फ परसों की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाने का काम किया, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का काम किया था। और हमारा झारखंड बिरसा मुंडा जैसे वीरों की, सिद्धू कानू, चांद भैरव जैसे, हमारे बुद्ध भगत जैसे शहीदों की, वीरों की, आदिवासियों की ये धरती को अपमानित करने का बार बार ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमात की राजनीति करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। आज ये जाति पाति बोल करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, लेकिन ये हमेशा जात पात बोल करके लोगों को भड़काते हैं। इसलिए इनको माफ़ी भी मांगने से माफ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बार बार ये अपमानित करने का काम किए हैं। और हम आदिवासी भाई बंधु से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो ऐसे बार बार बोल करके हल्के में लेता है, नहीं नहीं भाई हमें खेद है, खेद बोलने से आप गला काट करके बोलिएगा खेद हो गया हमसे, भूल हो गई, ये कौन सी बात है भाई? तो कहीं ना कहीं इनको तो कड़ी कार्रवाई स्पीकर महोदय के द्वारा होना चाहिए, ऐसा हमारा। मैडम सुनिए ना, आप कुछ बोलेंगे ना? ठीक बात है कि इरफान अंसारी नहीं, हमने पहले ही कहा कि सदन की गरिमा को बरकरार रखने का दायित्व पक्ष हो या विपक्ष हो सभी के ऊपर निर्भर करता है, और किन्हीं के व्यक्तिगत बातों पे हम बहुत ज़्यादा बोलने के। आपके विधायक हैं मैडम। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज घटी है, स्लिप ऑफ टंग के जिस मामले में इरफान अंसारी ने सदन में खेल व्यक्त कर दिया था, और बाद में कांग्रेस विधायक दल के नेता सीएलपी लीडर आलमगीर सर ने माफ़ी मांग ली थी, उसके बाद ये गतिरोध समाप्त हो जाने चाहिए थे। लेकिन जिस तरीके की भावना प्रदर्शित हुई वो सदन का, आसन का, हर चीज़ का अपमान था, और हमें लगता है कि इस बारे में सदन को गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके का आचरण प्रस्तुत करेंगे तो ये उचित नहीं है। ठीक, धन्यवाद। दौड़ाकर मारने की जो कोशिश की थी उसको लेकर के क्या किया? देखिए, ये आपको सूचना कहाँ से है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा आप बता रही हैं वैसा कुछ हुआ नहीं। उत्तेजना ज़रूर थी, होनी भी चाहिए। इस देश में 10 करोड़ आदिवासी भाई बहन रहते हैं, अगर उनके सम्मान पे कर कोई बात आए तो अगर कोई थोड़ा उत्तेजित हो जाता है तो उसको गलत नहीं मानना चाहिए। ये ज़रूर है कि उन्होंने उनके तरफ संघर्ष के लिए बढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन मारपीट हो ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं थी, ये हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन मूल प्रश्न क्या है? देखिए, आज स्पीकर साहब का कंडक्ट आपको देखना चाहिए कि क्या रहा, कि कोई जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, जिसने प्रॉब्लम की शुरुआत की, और केवल एक ही बार नहीं है ये, अभी आपको एक मुद्दा मिला होगा। मैं आपको एक और वीडियो के बारे में उनका बताऊं कि अभी जामताड़ा में एक उन्होंने बयान दिया है, जहाँ शायद कोई एक मोहल्ला है जहाँ की एक समुदाय के लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मिनी पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय भावना को भी ठेस पहुंचाने जैसा है। भारतवर्ष में अगर पाकिस्तान का हवाला देना कि ये पाकिस्तान या मिनी पाकिस्तान है, ये अपने आप में शर्मनाक है। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, इनको समझ में नहीं आता है कि इनको क्या बोलना चाहिए, या जिस मिट्टी का ये खाते हैं उसके खिलाफ भी बोलने का मादा ये रखते हैं। तो स्पीकर साहब को, उनको ना रोक करके शशि भूषण जी को जो है पर उन्होंने प्रहार किया, जो कि मेरे समझ से था कि अगर जड़ पर ही वो प्रहार कर देते, अगर इरफान जी को और सीएलपी लीडर जो हैं कांग्रेस के उनसे पहले ही बुलवा देते तो शायद ये नौबत नहीं आती।
जो आज देखने को मिला भारतीय जनता के विधायक शशि भूषण मेहता का जो आचरण रहा था उसको लेकर के क्या? मैं तो कभी भी जो सिचुएशन खड़ा हुआ इसको लेकर एक हेल्दी वातावरण बनना चाहिए था, एक स्वस्थ वातावरण में चीज़ों को रखना चाहिए था। उनके द्वारा जो कहा गया कल परसों वो भी अतर नहीं था, और ये दोनों, ये विधानसभा अध्यक्ष को दोनों को प्रॉपर मौका देके पटाक्षेप करना ही इसका मूल रास्ता होना चाहिए था। कभी भी सदन के अंदर हर किसी को अपने आचरण का ख्याल रखना चाहिए, चूंकि ये एक उदाहरण है। सर, बीजेपी ने भी विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर के भी कहा कि उनके ओर से पक्षपात जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं बोलूँगा इस पर, लेकिन मैं बोला भी अभी आपको कि ये सारी चीज़ों को देखना स्पीकर का काम है, स्पीकर साहब को इन चीज़ों को देखना चाहिए। एक अच्छा है, ये बड़ी बात थी, एक बड़ा विषय था। आप एक सीधे कम्युनिटी के ऊपर इस तरह से आचरण लगाना वो अच्छा आचरण नहीं था। आपने स्वीकार किया गलती, तो अच्छी बात है। कार्रवाई स्पीकर को करना चाहिए। नहीं, स्वतंत्र है, कल तो खुद ही वो यही काम कर रहे थे। मतलब आप जब करिए तो अच्छा, और दूसरा कोई अनुसरण करे तो खराब है, यही तो उनका चालो चरित्र है। तो कल ही का बात है, ज्यादा दिन का बात नहीं है। कल ही डुल्लू महतो जी के साथ उन्होंने ऐसा ही आचरण का प्रदर्शन किया था, तो ये तो आपके सामने है। बात स्पीकर साहब बायस्ड हैं, ये एक न्यूट्रल स्पीकर नहीं है, ये किसी पार्टी के सदस्य के रूप में वहाँ पर दिखते हैं। इनका परम कर्तव्य है कि हाउस को ऑर्डर में रखें, दोनों पक्ष को संतुष्ट करें, ये किसी भी स्पीकर का धर्म होना चाहिए। लेकिन इनका है कि अगर हम लोग विपक्ष कुछ भी बोल रहा हो, इनको सदन चलाना है और सरकार के एजेंडे को परसू करना है, यही इनका जो है लक्ष्य रहता है। मैं आपके सामने ये आरोप उन पर चेयर पे लगा रहा हूँ।